बड़े जानवर की इस्तेमाई कुर्बानी होती है। तो यहाँ पे क्या है बोलते तो अब जानवर को जुबा कर दिए, लेकिन किसके नाम पे किए क्या किए पता नहीं है। अब वो हमारे को फोन आया था कि जाके आपका हिस्सा रेडी है आके लेके जाओ। तो लास्ट ईयर ऐसे हुआ था, मेरे को फोन आया तो तब मैं गया तो यहाँ से ले लो बोले मेरे को जो गोश्त लिया, फिर थोड़ी देर से बोले नहीं नहीं इसमें से छोड़ दो उधर से लेके जाओ। तो हमारे नाम पे फिर वो कुर्बानी हुई नहीं हुई वो मसला है सर। देखिए एक बड़ा जानवर है, सात लोग उसमें शरीक हुए, सात लोगों ने पैसा जमा किया है ना, जी तो ये जो शरीक हो रहे हैं पैसा जमा कर रहे हैं तो जाहिर है किस नियत से कर रहे हैं, पैसा किस नियत से दिए हैं, कुर्बानी की, कुर्बानी हो रही है, कुर्बानी, खलास ये काफी है। बिस्मिल्लाह अल्लाह हू अकबर, उस जानवर को जबा किया गया सातों की तरफ से हुआ जिन लोगों ने भी पैसा दिया है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी ऐसा नहीं है कि किसी का नाम लोगे तब उसकी तरफ से कुर्बानी हुई, उसने पैसा दिया है खलास वो कुर्बानी में शामिल है क्योंकि उसने कुर्बानी की नीयत से ही पैसा दिया है। तो ये एक गलत तस्वीर ये भी हिंदुस्तान में मौजूद है कि जब तक नाम नहीं लोगे तब तक कुर्बानी नहीं होगी। नाम लेना ये मुस्ताहब है, उलमा ने मुस्ताहब नहीं जायज कहा है, ये वाजिब नहीं है नाम लेना, असल जो वाजिब है वो नीयत है।